देखो आज हमारे मेलघाट क्षेत्र में फॉरेस्ट वाले का तानाशाही से हमारे अंकुश मावसकर दुर्गाट रेलवे आज वारी धरण में मच्छी पकड़ने के लिए गए थे। जब अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी एक्ट में लिखा गया है कि आदिवासी पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तानाशाही और हमारे जो आदिवासी गरीब के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज 25 तारीख को यहाँ पे हाथरू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वजह से रैली निकला गया है और आज हमारे आदिवासी बासी भाई को दुर्गाट रेलवे का उसको बहुत बड़े रॉड से मारा गया। आज इतने बड़े अन्याय अत्याचार किया और इसके साथ के दो बंदे को उन्होंने लोगों ने अभी कहाँ लेकर गया वो पता नहीं है और इसको रॉड से गर्म रॉड से मारा गया। इतने बड़े आदिवासी के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तानाशाही वो गंभीर स्थिति चल रहा और हमारे मेलघाट में हमारे सांसद महोदय यहाँ पे आकर हीरो को चिंके पांडे इन लोगों को खादर खान इन लोगों को लेकर आ रहा है और वो जश्न बना रहा है। आज बहुत बड़ा गंभीर स्थिति है हमारे मेलघाट क्षेत्र में, इसी तरह की घटना हो रहा है। हमारे भूतपूर्व विधायक मध्य प्रदेश से मंजू राजन दादू यहाँ पे आके जश्न मना रहा है। आज बहुत बड़ा गंभीर स्थिति है वहाँ का। जब समाज के ऊपर इतना बड़ा अन्याय होता तो इन लोगों कहाँ जाता है, ये लोगों कहाँ जाता है। मैं आज आदिवासी संगठन के माध्यम से हमारे दोस्त के माध्यम से हम बताना चाहता हूँ, आज हम ये दो बहुत गंभीर स्थिति है। आज इसको बयान लेकर आज इसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, हमने कुछ गलती किया तो हमारे ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्ट के अनुसार 353 भी लगता है। आज इतने बड़े अन्याय होने के बाद कौन सा दाखिल किया शासन महोदय, यहाँ के शासन महोदय, यहाँ के राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति महोदय, आप हमारे को आदिवासी क्षेत्र में भोल क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इस पे नजर डालिए ना, हमारे को न्याय दीजिए। आज 5वीं 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी के ऊपर ही अन्याय हो रहा है और इस पे सभी कायदे से उसके ऊपर कार्रवाई करके हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय दीजिए। इतना बोलकर मेरे जनशब्द को विराम देता हूँ। जय आदिवासी।